नमस्कार और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। बस्ती सांसद और उनके दो भाइयों पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लोक गठबंधन पार्टी के उम्मीदवार पंकज दुबे को मारपीट कर घायल करने और जानमाल की धमकी देने का आरोप है। कोर्ट द्वारा उपस्थित सुनिश्चित कराए जाने के लिए एसपी को 3 बार पत्र लिखा गया, लेकिन सांसद और उनके दो भाई कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए 11 नवंबर को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने की एसपी से अपेक्षा की है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़े सांसद हरीश द्विवेदी के पाटीदार तेलियाजोत निवासी पंकज दुबे भी लोक गठबंधन पार्टी से प्रत्याशी थे। आरोप है कि सांसद हरीश द्विवेदी, उनके भाई सुभाष चंद दुबे, गर्जन उर्फ बागेश दुबे ने तेलियाजोत बूथ पर पंकज दुबे के साथ फर्जी वोटिंग को लेकर मारपीट की। मामले में पंकज दुबे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। इसके बाद सांसद और उनके भाइयों पर कार्रवाई के लिए पंकज दुबे ने कोर्ट की शरण ली। पंकज दुबे के अधिवक्ता सुभाष चंद्र द्विवेदी ने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद उनके द्वारा कोर्ट में प्रोटेस्ट एप्लीकेशन फाइल की गई है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने के लिए तलब किया है, लेकिन सांसद और उनके भाई कोर्ट में तलब नहीं हुए। कोर्ट ने वारंट जारी कर थाना एसपी डीआईजी के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए पत्र जारी किया है। इसके बाद भी कोर्ट में उनके हाजिर न होने के कारण सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी की गई है। बस्ती समेत देश दुनिया खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।